दुमका जिले के गोपी कांदर प्रखंड के खरोनी बाजार पंचायत के अंतर्गत नामोडीही पहाड़िया टोला गांव के आदिम जनजाति लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इस टोला में करीब 20 पहाड़िया परिवार के लिए 2 सोलर टंकी, 2 चापाकल का निर्माण कराया गया था, लेकिन सब खराब है। ग्रामीणों ने बताया, 1 सोलर टंकी, 2 चापाकल करीब 4 साल से खराब है। 1 सोलर टंकी ही पेयजल के लिए थी, जो करीब 9 महीनों से खराब पड़ी है। पूर्व मुखिया सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गा देहरी ने भी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी से मरम्मत के लिए मांग की थी। ग्रामीणों ने संवेदक से भी गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक मरम्मतीकरण नहीं हुआ। अब ग्रामीण करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित कुआं, नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने सरकार, जनप्रतिनिधियों से शीघ्र सोलर टंकी, चापाकल की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर सोना मुनि महारानी, सुशी महारानी, मोनिका महारानी, काजल महारानी, शांति महारानी, शिवलाल देहरी, लखेंद्र देहरी, दुर्गा देहरी आदि उपस्थित थे। दुमका से ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। समस्या है कि ग्राम नमोडी पहाड़िया टोला में सोलर टंकी बना है। पूर्व हेमंत सोरेन के ट्वीट के द्वारा मैंने चालू पानी हुआ था, अभी 8 महीना 9 महीना से अभी बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग का बहुत अभी पानी पीने का बहुत मुश्किल हो रहा है, और हम संयोजक मैंने ठेकेदार को भी बोले कि लगवा दीजिए, अभी तक नहीं लगवाए हैं। तो बीडीओ साहब को भी हम बोले कि सर देखिए, हमें पानी का बहुत समस्या है। तो बीडीओ साहब बोले कि कल्याण विभाग में हम पूछे थे, लेकिन कल्याण विभाग से फंडे नहीं आए, इसलिए अभी तक मैंने हम लोग का तो फंड नहीं आए तो कैसे काम होगा। वही बोले बीडीओ साहब, तो किसी तरह हम लोग का लगवा दीजिए सर, पानी का समस्या है। तो इसी तरह का हम लोग को बीडीओ साहब बोले। उसके बाद हम लोग का अभी मैंने वैसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी से हम लोग कुआं का नाला का पानी हम लोग अभी पीते हैं। निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग, लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।